गंगा जमुना और सरस्वती की इस पावन संगम भूमि पर आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। मित्रों, प्रयागराज की भूमि जब भी मैं आता हूं, जब चंद्रशेखर आजाद के बलिदानों को याद करकर हृदय गदगद हो जाता है, आज चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करकर मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, पूरे यूपी में घूमता घूमता आज जब मैं यहां आया हूं, तब कोरा विधानसभा में तीन चुनाव फेस तीन समाप्त हो चुके। आप सभी को मैं पूछना चाहता हूं, तीन फेस तक का चुनाव का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, तीन फेस में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये तीन फेस के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम पूरा हो गया। अब चौथे, पांचवे, छठे पर ये मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करनी है, जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कुंभ की धरती है। पिछली सरकारों ने कुंभ हो या अर्धकुंभ, यहां पर अव्यवस्था और घोटाले करने का काम किया था। 2019 में योगी जी ने यहां पर भव्य कुंभ का आयोजन करकर एक प्रकार से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया था, भारत के सम्मान को ऊपर उठाने का काम। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जानने के लिए अर्धकुंभ के अंदर 71 से ज्यादा देशों के राजदूत यहां पर संगम के किनारे आए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, इसी कुंभ में आजादी के बाद सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी, मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के, दलित भाइयों के पैर धोने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोकर, सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर सफाई के महत्व को, स्वच्छता के महत्व को पूरी दुनिया में उजागर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और श्रम शक्ति का ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसका संदेश न केवल भारत, पूरी दुनिया में गया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया। उन्होंने जगजीवन राम जी और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के अलावे कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। जब कांग्रेस पार्टी गई, तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हुआ और बाबा साहब भारत रत्न। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया, 26 नवंबर को
आज भी 26 नवंबर को जब संविधान दिन मनाया जाता है कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है। वो नहीं चाहते कि संविधान से जो अधिकार दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिला है उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान दिन को मनाने की शुरुआत कर गरीब कल्याण की मान्यता पर ठप्पा लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माताओं, भाइयों, बहनों, अंबेडकर जी से जुड़े हुए पंचतीर्थ का विकास, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने नहीं किया। मैं डॉक्टर आंबेडकर जी के जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार ने, लंदन में जा रहकर बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई हुई वो स्थान को लंदन में अधिग्रहित करकर नरेंद्र मोदी जी ने वहां उनका स्मारक बनाने का काम, नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि को एक भव्य स्वरूप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने किया। दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर हमें उषा के लिए बाबा साहब को अमर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर के अंदर म्यूजियम के रूप में उसको विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, इस सपा बसपा बसपा सपा जातिवाद के आधार पर चलने वाली ये पार्टियां, परिवारवाद के आधार पर चलने वाली ये पार्टियां उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। 15 साल तक उनका शासन क्या दिया उत्तर प्रदेश को? गोपाल घोटाले दिए, झोपड़े दिए, गड्ढे दिए। ये पार्टियां सपा बसपा का शासन रहा, इसमें घोटाले के गड्ढे रहे, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर रहा, माफिया की टोल वसूली रही और गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं की रास्ते पर नो एंट्री कर दी। मित्रों, नो एंट्री। नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 42 लाख, भाइयों बहनों ध्यान से सुनना, 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम, घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, 1,67,00,000 गरीब माताओं को निःशुल्क गैस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाकर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2,54,00,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब मैं किसानों को कहने आया कि 6,000 रुपया तो मिलता ही रहेगा, आप फिर से यहां पर
कमल फूल की सरकार बना दो, पांच साल तक किसी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। जो बच्चियां आगे की पढ़ाई कर रही है उनको स्कूटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की है। माताओं, भाइयों, बहनों, जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आप मुझे बताओ, कोरा वालों, कितने लोगों ने टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। लिया है ना सबने? जब ये टीका हमारे वैज्ञानिकों ने इजाज किया, अखिलेश यादव कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। और 10 दिन के बाद डरकर अखिलेश जी स्वयं टीका लगा है। ये तो अच्छा हुआ भाई, आप लोगों ने अखिलेश का नहीं माना और टीका लगा दिया, वरना तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? बताइए, रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद, रिक्शाएं बंद, ऑटो बंद, रेड़ी पटरी बंद। सबके मन में था कि गरीब क्या खाएगा। मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को दो साल तक प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। मुफ्त में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसके साथ योगी जी ने तेल, नमक और दलहन देने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बताने आया हूं, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहाँ है? जोर से बोलो कहाँ है? जोर से बोलो कहाँ है? अखिलेश की सरकार गलती से भी लादी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, उनको जेल मिले या बेल मिले? जोर से बोलो क्या? जोर से बोलो क्या? अगर इनको जेल में रखना चाहते हो तो फिर से कमल फूल पर बटन दबाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ठीक किया है। डकैती में 72% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। गरीबों की सरकार की 2000 करोड़ की जमीन इन्होंने कब्जाई थी, योगी जी ने वो जमीन को मुक्त कराने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ,
कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, जोर से बोलो भाई, है या नहीं, हमेशा भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से ये धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, यहां से रीता जी को एमपी बनाकर भेजा। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 12370 को उखाड़ कर दिया। अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि गृहमंत्री जी अगर धारा 370 हटाई, धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश जी, किसको डराते हो भाई, हम डरने वालों में से नहीं है। ये धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए। और आज मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आपको फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। बताओ, कमर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे क्या? हमारे भाई को विधायक बनाकर भेजोगे क्या? कोराओं में कमल खिलाओगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।